वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6.72 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हुआ। कीमतों में रद्दबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6.72 रुपये फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका है। कीमतों में रद्दबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फाहद कयूम से। जी फाहद कयूम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। शदीद किस्म का रद्दअमल सामने आया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें तो ये पता था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 15 रुपये कम होगी बजाय इसके कि अभी तक तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि पेट्रोल की जो कीमत है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया। जैसे ही हम लोगों ने स्टेटसेस लगाए या हम बीपर के लिए भी यहाँ पर आ रहे थे तो कोई मान ही नहीं रहा था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि जुलाई के महीने तक जो पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत थी वो $5 फी बैरल से जो थी वो $5 तक ही महदूद थी। मगर आपको बताएं कि अगस्त के महीने में ये गुज़िश्ता दिनों में जो पेट्रोल है आलमी मंडी में उसकी जो भी कीमत है उसमें भी कमी आई है। 3.78 रुपये जो डॉलर्स हैं उसकी कम कीमत हो गई है। और ऐसे में तवक्को की जा रही थी कि जो पाकिस्तान है उसमें भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में कमी वाकया होगी। मगर ऐसे में जो डीजल की जितनी इकसाम है, लाइट डीजल, हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल, इसकी कीमत में तो कमी कर दी गई है। मगर वो भी ना हुए बराबर, चंद पैसों की जो कमी है वो की गई है। मगर जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 6.72 रुपये का इजाफा जो है वो होशुबा इजाफा है। और शहरियों की जानिब से इसके ऊपर कहा जा रहा है कि हम जो है महंगाई की चक्की में आगे पिस चुके हैं। और इसके ऊपर जो शहरियों का रद्दअमल आया उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर को खुदा का खौफ खाया जाए। हुक्मरानों की जानिब से उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जाए। इसको होशरुबा इजाफा जो इनमें वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया शहरियों ने। जी जी फहद कयूम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6.72 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हुआ। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। आपको अपडेट्स करें, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6.72 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको बताते चलें, पेट्रोल 6.72 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका है। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। जी एक तरफ हम फहद कयूम की तरफ फिर रुख करते हैं। जी फहद कयूम, बताएं हमें पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों का क्या रद्द अमल है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 6.72 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि जो लाइट स्पीड डीजल है और हाई स्पीड डीजल है इसकी जो कीमत है उसको कम किया गया। मगर कीमत जो है कम की गई ना हुए बराबर है। और ऐसे में शहरियों का जो शदीद रद्दअमल है वो भी सामने आया है। मेरे पीछे भी पेट्रोल पंप पर यहाँ पर लड़ाई हो रही है शहरियों की जानिब से। वो किसी ना किसी सूरत में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। 12 बजते ही जो कीमतें थी उनको चेंज कर दिया गया। और आपको बताएं कि लास्ट जुलाई के महीने तक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो $5 है उससे ज़्यादा फी बैरल कीमतें थी। मगर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की जो आलमी मंडी में कीमतें हैं वो भी कम हो चुके हैं। इस वक्त $3.78 जो है वो आलमी मंडी में कीमत है। मगर उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल को 227.19 रुपये से बढ़ाकर 233.51 रुपये जो है वो कर दिया गया है, जिसके ऊपर शहरियों का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रही है और आवाम के ऊपर यह पेट्रोल बम गिराकर उनकी जो कमर है उसको मजीद तोड़ दिया गया। उनकी जानिब से इस इजाफे को मुस्तरद किया गया और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है खुदा का खौफ खाए और आवाम के ऊपर रहम करे और इस तरह से जो गरीब आदमी है उसकी कमर को ना तोड़े। जी जी फहद कयूम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।